नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि अब आप जानते हो कि नवंबर दिसंबर में जो है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने के बाद जब हमारे पास छोटे चिक्स आते हैं, उस टाइम पे हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है, कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को फीड नहीं कराते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम छोटे बच्चे की केयर कैसे करें, छोटे बच्चे का किस टेम्परेचर पे मेंटेन करके छोटे बच्चे को क्या खाना खिलाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सभी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आपके पैराकीट्स हैं या कोई भी छोटा बेबी पैरेट्स है या पिजन्स है, अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाता, तो आप उसके बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूले के द्वारा या ओरली डाइट के द्वारा आप उसको कैसे पाल सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसे देखेंगे। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि जो छोटा बच्चा होता है, हमेशा वार्म टेम्परेचर पे यानी गर्म जगह पे रखना चाहिए। यानी छोटा बच्चा जितनी गर्म जगह पे रहेगा उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यानी अगर पेरेंट्स किसी तरह से उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हम बच्चे की इंडिविजुअल केयर करते हैं, तो बच्चा हमने जिस भी बॉक्स में रखा है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप उसको हीटिंग मटेरियल लगा करके आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो उसका जो हाउसिंग कंडीशन का टेम्परेचर 26 से 28 के करीब आप उसको रख सकते हैं। अब फिर आती है उसकी खाने पीने की, यानी कि आपने उसको, छोटा बच्चा अगर डे ओल्ड है, डे ओल्ड बच्चे को हर एक घंटे में फीड चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो उसका जो फीडिंग का ड्यूरेशन का इंटरवल है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन सा फीड हम दे सकते हैं, कौन से बर्ड्स के हैंड फीडिंग फार्मूला मार्केट में अवेलेबल है, उनके बारे में भी डिटेल करके एक एक बताऊंगा। कैसे उनको बनाना है, किस टेम्परेचर पे बच्चों को वो सेरेलैक सूट करता है, इन चीज़ों का भी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। उन फीड के अंदर हम क्या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स जो ऐड करें ताकि बच्चे में किसी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम ना आए। बच्चे को जो हम ऊपर से फीड खिला रहे हो वो खाना पूरा पचता रहे, या उसका जो खाना खिलाया है वो पूरा रुके ना, और हर दो दो घंटे में बच्चा अपने आप से खाना मांगना शुरू कर दे। यदि जो पेरेंट्स होते हैं यदि अपने आप से फीड कराते हैं, तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि पेरेंट्स वाले बर्ड्स की भी डाइट का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसे में उन पेरेंट्स को जो हमें सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए, और इस सॉफ्ट डाइट के ऊपर जो है मेरा एक, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। उसी का डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा ब्राउन ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड को आप सुखा करके मैश करके आप उसको कद्दूकस करके पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। एक एग लीजिए, एग में से येलो पोर्शन आप निकाल दीजिए, जो वाइट पोर्शन होता है प्रोटीन का पोर्शन होता है। आपने ब्रेड को मैश कर दिया, उसी के अंदर आपने एग को मैश कर दिया, और दोनों को अच्छे से मैश करने के बाद और आप अपने ब्रीडिंग बर्ड्स को देते हो, यानी वो बर्ड्स जिनके नीचे वो अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, इस प्रकार का खाना यदि आप अपने बर्ड्स को देते हैं और वो खाना पेरेंट्स खा करके अपने बच्चे को खिलाते हैं, तो आप देखेंगे डे बाई डे आपके बच्चे की ग्रोथ में, आपको जो उसकी सेहत में डे बाई डे आपको उसमें बहुत अंतर नज़र आएगा। बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसका वेट जो है बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और इस प्रकार का जो खाना होता है जो सॉफ्ट डाइट होती है, छोटे बच्चे में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, और बच्चे में किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस खाने के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो है मिनरल्स और सप्लीमेंट्स जो हैं उसी खाने के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। अब जैसे आपने ब्रेड को मैश किया, ऊपर से एग मैश कर दिया, उसमें आप उसमें क्या कर सकते हो, 3-4 ड्रॉप आप उसमें डाइजीन की डाल सकते हो, आप उसमें 1-2 ड्रॉप विमरॉल्स की डाल सकते हो, 1-2 ड्रॉप्स आप उसमें सेलपेट की भी आप डाल सकते हो, ताकि बच्चे को जो है मिनरल जो सप्लीमेंट्स है खाने के अंदर मिक्स करके आप देंगे, तो उसमें और बच्चे के अंदर वो जो पेरेंट्स उसको खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक
बच्चे में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है उस टाइम पे, और बच्चों को इन चीज़ों की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी हम डाइट्स के साथ साथ यदि हम सप्लीमेंट ऐड करके देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ में आपको दिन प्रतिदिन आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। आपका बच्चा डे बाय डे इतनी जल्दी ग्रो करेगा, उसका वेट बहुत जल्दी ग्रो करेगा, उसके फैदर्स बॉडी के ऊपर बहुत जल्दी आएंगे, और जो वो सॉफ्ट डाइट है वो बच्चे के लिए एक वरदान की तरह साबित होगी। कि आप जो देखेंगे कि एक नॉर्मल जो पेरेंट्स जो है, एक जो सीड्स वाला फीड अपने बच्चे को खिला रहे हैं और एक सॉफ्ट डाइट खिला रहे हैं, उसमें देखेंगे, उसमें यदि आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपके बच्चे के ग्रोथ में जो है आपको डिफरेंस काफ़ी अलग से नज़र आएगा। यदि किसी कारणवश आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चे को फीड कराना बंद कर दिया है, क्योंकि जब छोटे बच्चे हो जाते तो हमें ये खोल करके हमें रेगुलर चेक करना चाहिए कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको रेगुलर फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। यदि किसी कारणवश पेरेंट्स ने उस बच्चे को इग्नोर कर दिया है, या उसको आप ये कह सकते हो कि अवॉइड करना शुरू कर दिया है, तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि उस बच्चे को पालना हमारी जिम्मेवारी है। उसके लिए मार्केट के अंदर जो है हैंड फीडिंग फार्मूला अवेलेबल है। हम बच्चे को डे ओल्ड चिक्स से लेकर के हम बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला पे जो पाल सकते हैं, उसमें जो हमें मार्केट के अंदर जो है A19 आपने सुना होगा, अमेज़न के ऊपर ये है हैंड फीडिंग फार्मूला अवेलेबल है। दूसरा एक न्यूट्री डाइट करके है पेट केयर इंटरनेशनल कंपनी का, बर्ड्स का सरल है कि वो भी अवेलेबल है। इसको आप डे ओल्ड चिक्स में दे सकते, और इसमें देने में सबसे ज़्यादा सावधानी हमने क्या रखनी है कि आपने जो अपने हैंड फीडिंग फार्मूले को, जो क्योंकि ये पानी के अंदर मिक्स करना है, ऑटोमेटिक जब आपने उसको पानी में मिक्स कर लिया तो ऑटोमेटिक आप अपने पास एक थर्मामीटर रखिए। थर्मामीटर में क्या है कि क्योंकि आपने पानी में ऐड करना है, गुनगुने पानी में ऐड करना है, आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक कीजिए। 28 से 30 डिग्री आप देखिए उसमें थर्मामीटर लगा करके कि उसका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए। बिल्कुल चिल्ड पानी में उसको मिक्स करके मत दीजिए, वरना बच्चा जो है इंडाइजेशन की चपेट में आ जाएगा। 30 से 32 डिग्री तक भी अभी आप उसको गुनगुने पानी में आप देते हैं तो वो उस टेम्परेचर को, वो जो बच्चा है इजीली उस सरले को डाइजेस्ट कर लेता है, और आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा, उसमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं। बच्चे को आप नियोपेप्टिन्स की एक दो ड्रॉप आप खाने के अंदर दे सकते हैं, ताकि उसमें अंदर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गैस वगैरह ना बने, क्योंकि हम ऊपर से जो फीड खिला रहे हैं तो उसमें बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने बच्चे को जो है मिल्क के अंदर जो है सेरेलेक को मिक्स करके देते हैं, या मिल्क के अंदर जो है ब्रेड जो होती है उसको मैश करके देना शुरू कर देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मिल्क जो है बर्ड्स के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स बर्ड्स को सूट नहीं करता है, इसलिए अपने बर्ड्स को कभी भी मिल्क के अंदर इस हैंड फीडिंग फार्मूले को मिक्स करके ना दे, या बच्चे को दूध बिल्कुल भी ना पिलाए, क्योंकि बच्चे को इससे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। इसलिए मिल्क हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत आगे चल करके नुकसान करेगा, और इससे कई बार क्या है बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि छोटे बच्चे को कभी भी मिल्क नहीं देना चाहिए खाने के अंदर। आप बच्चे के उस फीड में लीवर 52 के 2-3 ड्रॉप्स दे सकते हैं, या डाइजिन के 2-3 ड्रॉप्स भी आप ऐड करके दे सकते हैं, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते हैं छोटे बच्चे को जब हम हैंड फीड कराते हैं, हमसे बहुत एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों से कई बार गलती हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चे को हैंड फीडिंग फल जब हम कराते हैं तो हम किन किन चीज़ों की सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं ट्यूब के द्वारा बच्चे को फीड कराते हैं। अब आपने देखा होगा जो डिस्पोजेबल नीडल होती है उसके सामने जो है आगे कई बार प्लास्टिक की ट्यूब लगा लेते हैं या एल्यूमिनियम की ट्यूब लगा लेते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा गया है, या इस तरह के जो केसेस मेरे पास आते हैं कई बार मैं देखा होगा, जब हम बच्चे को वो प्लास्टिक की सीरिंज जो उसके डायरेक्ट उसके माउथ के अंदर देते हैं, उससे क्या होता है माउथ के अंदर या उसके जो अंदर ट्रैक्ट है, फूड का जो ट्रैक्ट है, उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं। और वहाँ पे इंजरी यदि एक बार हो जाती है
किसी भी प्रकार का आपको वहाँ पे इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। और यदि एक बार वहाँ पर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई तो आपका बच्चा किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है और हम ऐसी कंडीशंस में हम उसको बिल्कुल बचा नहीं पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए सिरिंज या ड्रॉपर के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके एक एक ड्रॉप करके आप अपने बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला दीजिए। इससे और उसको देने का भी एक तरीका है, डायरेक्ट स्ट्रेट ना दे करके लेफ्ट या राइट साइड से आप दीजिए, और जब बच्चे की जीभ चलती रहती है थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप करके दीजिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। और देने से पहले मैंने आपको पहले बताया है आपके थर्मामीटर जरूर होना चाहिए, थर्मामीटर से उसको टेम्परेचर जरूर चेक कीजिए कि उसका टेम्परेचर कितना है, फूड जो आप दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादा चिल्ड पानी में आप दोगे तो बच्चा उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, यानी जो आपने जो फूड तो आपने उसको खिला दिया लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको एज सच वो उसके जो स्टमक कंटेंट है वो एज सच रहेगा, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यदि आप उसको वार्म 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको देंगे पानी के अंदर मिक्स करके, तो वो फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट करेगा। एक दो ड्रॉप उसमें लिवोकेयर की या डाइजिन की ड्रॉप या नियोपेप्टिन ड्रॉप्स आप ऐड करके देंगे, आप देखेंगे कि उसके जो डाइजेशन रेट है बहुत फास्ट होता है, यानी हर एक दो घंटे में जो भी उसने खाया वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपका बच्चा ऑटोमेटिक नेक्स्ट फीड के लिए तैयार होगा या चिल्लाना शुरू कर देगा, खाना मांगना अपने आप से शुरू कर देगा। जब भी हम बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला कराते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, हमें बच्चे का स्टूल रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। यानी बच्चे के खाने में यदि कोई त्रुटि है तो उसका सबसे इफेक्ट उसके डाइजेशन में होता है, और जब वो स्टूल पास करता है उसमें कोई ना कोई आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इसलिए स्टूल को, जब भी आपका बच्चा स्टूल पास करता है उसको रेगुलर वॉच करते रहिए, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है या आप ये कह सकते हो उसमें किसी प्रकार का कोई कलर मिक्स होकर के आ रहा है, तो आपको तुरंत केयर लेने की ज़रूरत है या सावधानी लेने की ज़रूरत है या आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशंस में मेडिकेशंस आप तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा करके चेक करा करके इमीडिएटली उसकी मेडिकेशन करवाने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते हम उस बच्चे को दवाई पिला करके हम उसको बचा सकें। छोटे बच्चे में कई बार क्या होता है, हम जो हैंड फीडिंग फार्मूला देते हैं कई बार वो क्या होता है उसका जो वाटर कंटेंट होता है, हम उसको सेमी सॉलिड तो देते हैं लेकिन उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, इसलिए हम जो बच्चे को थोड़ा सा पानी के अंदर ग्लूकोन डी या ORS का घोल को घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से वो भी दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा अपने आप से पानी तो पीता नहीं है, वो टोटली हम पर डिपेंड रहता है। खाने के साथ साथ यदि पानी भी उसके अंदर जाता रहेगा तो उसका खाना भी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, हम उसको रेगुलर वाटर भी देंगे, फीड भी देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल जो है बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। छोटे बच्चे को आपने रेगुलर वॉच करने की ज़रूरत है। जब भी आप छोटे बच्चे को हैंड फीडिंग कराते हो तो आपको यदि आपको कभी भी बच्चे की बॉडी के ऊपर कोई भी माइट्स नज़र आती है, हल्की फुल्की जुए नज़र आती हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है, उसी टाइम आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होता है, क्योंकि ये जो माइट्स होती हैं आपके बच्चे के लिए उसकी डेथ का रीज़न बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये माइट्स आपके छोटे बच्चे का ब्लड सक कर सकते हैं, और आपके बच्चे एनीमिया खून की कमी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए यदि छोटे बच्चे के अंदर यदि आप उसकी फेदर्स में हल्का सा भी कोई माइट्स या लाइस का इन्फेक्शन आपको नज़र आता है तो तुरंत आप उसको पाउडर आपका स्प्रे कर सकते हैं या उसका जैसे नेचुरल पिकनोट स्प्रे करके है या नेचुरल बाथ स्प्रे है उसका हल्का सा स्प्रे करके आप उसको उस इन्फेक्शन को वहीं ख़त्म कर सकते हैं, ताकि जो उसके शरीर के ऊपर जो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स है यदि हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हम उसको वहीं रोक देंगे तो वो जो उसका ब्लड सक करते हैं हम उसको रोक लेंगे, तो आपका बच्चे में जो एनीमिया होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहने से आपका बच्चा बराबर वेट गेन करेगा और फेदर्स अच्छे से ग्रो करेगा, डे बाय डे उसकी ग्रोथ अच्छी होती चली जाएगी। जब भी हम बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला पे पालते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए हैंड फीडिंग के इमीडिएटली बाद हमेशा टॉवल को गीले पानी में सक करके उसकी बॉडी पे यदि कहीं वो
सरलेक या हैंड फीडिंग फार्मूलाज का लग गया तो इमीडिएट आप गीले टॉवल से आप उसको साफ कर दीजिए, वरना उसमें क्या होता है कि यदि वो फेदर्स में बॉडी में कहीं भी चिपक जाता तो उस वहाँ से जो फेदर्स रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे वहाँ से आप देखेंगे कि उसके फेदर्स आते नहीं हैं। इसलिए हर मील के बाद टॉवल को आप गुनगुने पानी में उसको निचोड़िए, साफ कीजिए, और हर फीड के बाद एक टॉवल लेकर के उसको इमीडिएटली उसके पंजों को, उसके मुंह को आप साफ कर दीजिए ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल उसकी बॉडी के ऊपर ना लग रहे, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल कहीं पर बॉडी पर रहता है वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है और उससे आपका बच्चा किसी इन्फेक्शन की चपेट में भी आ सकता है। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन जितनी ज़्यादा मेंटेन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतना ही आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। छोटे बच्चे को जब भी हम हैंड फीडिंग फार्मूला देते हैं हमें एक डाइट चार्ट हमेशा जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए। उस डाइट चार्ट का फ़ायदा क्या है कि वो आपने हमेशा जब भी आपने उसको फीड दिया है आपने वो टाइम उस चार्ट के अंदर नोटिस कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम कब दिया है वो नोटिस कर लेना है, दिन में कितनी बार मील दिया है वो आपने नोटिस कर देना है। एक तो उससे ये होगा कि आप जो फीड दे रहे हो आपके बच्चे का डाइजेशन कैसा है, कि उसकी डाइजेशन की स्पीड कितनी है, कि वो हर दो घंटे में डाइजेस्ट कर रहा है या उसको हर तीन घंटे में डाइजेस्ट कर रहा है, कहीं ओवर फीड तो नहीं करा रहे। उस डाइट चार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डाइट चार्ट के द्वारा आप छोटी से छोटी बातें पकड़ करके आप यदि बच्चे में कोई भी इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम उस डाइट चार्ट को ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कि कहीं हमारे से तो कोई गलती नहीं हो रही कि हम बच्चे को जो फीड करा रहे हैं कि उसमें किसी कारणवश हमारी गलती की वजह से उसका परिणाम उस बच्चे को तो नहीं भुगतना पड़ रहा। इससे डाइट चार्ट में एक एक चीज़ को आप नोटिस कीजिए, कितने बजे आपने फीड किया, कितने घंटे में बच्चे ने उसको डाइजेस्ट किया। यदि आप तीन घंटे हो गए उसने बच्चे ने फूड डाइजेस्ट नहीं किया और आपका नेक्स्ट मील का टाइम हो गया तो आप ये देखिए कि आपने जो पिछला मील दिया था कि उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आपका बच्चा उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, या कहीं वो किसी इन्फेक्शन की चपेट में तो नहीं है, या उसमें हमें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या उसको लीवर टॉनिक देने की तो ज़रूरत नहीं है कि जो, या कोई उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं हो गई। इसलिए समय रहते यदि हम कोई भी इमीडिएट स्टेप हम उस टाइम उठा सकते हैं तो इमीडिएटली हम उस बच्चे को हम बचा सकते हैं। डाइट चार्ट में एक चीज़ आपने जो हमेशा नोटिस करनी है कि आपने पर वीक आपने जो आप फीड दे रहे हो ताकि आपको पता चले कि उसका रिजल्ट कैसा, आपने हफ्ते में एक बार बच्चे का आपने वेट नोट करना है और उस वेट को आपने वीकली नोट करके आपने उस चार्ट के ऊपर मेंटेन करना है कि एक एक हफ्ते में आपके बच्चे का 10 ग्राम वेट इंक्रीज़ हो रहा है, 15 ग्राम्स हो रहा है, 25 ग्राम्स हो रहा है।